अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सो आज जो क्रीम बताऊंगी इट्स नाइट क्रीम फुट एंड हैंड के लिए। इट्स वाइटनिंग, वेरी अमेजिंग है, आपकी हैंड एंड फुट को बहुत ज़्यादा गोरा कर देगी। ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसके लिए हम क्लिपो वाइट जो क्रीम है, ठीक है, क्लिपो वाइट क्रीम है वो लेंगे हम। इट्स वेरी अमेजिंग। तो इसका मैं एक बड़ा स्पून भर के लूँगी। ये हमारी वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये हमारे जो कट के निशान होते हैं ना, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जो ब्राइडल है वो भी यूज़ कर सकती है, मेन फीमेल जो भी यूज़ करते हैं। इट्स वेरी अमेजिंग। उसके बाद हम डर्मोवेट लेंगे, इट्स वेरी अमेजिंग। 20 ग्राम है, ठीक है जी, एंड 100 रुपीज़ में ये मिलती है। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, हमारे हेयर फेस के लिए भी अच्छी है, एंड ये हम नाइट क्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी अमेजिंग, ये हमारे निशान को ख़त्म करती है। इट्स वेरी अमेजिंग, ट्रस्ट मी गाइस। सो ये मैं छोटा सा स्पून भर के लूँगी, जो अभी मेरे पास है ना, समझो कि उतना ही मैंने इसमें ऐड किया, ठीक है जी। ये थोड़ी कम हम इसमें डालेंगे, एंड उसके बाद हम तिब्बत लेंगे। तिब्बत इट्स वेरी अमेजिंग। तिब्बत में वो एवरीथिंग अवेलेबल है, जो एक वाइटनिंग एंड जो हमारे निशानात होते हैं हाथ में, जो वाइटनिंग का फार्मूला होता है वो तिब्बत में ऑलरेडी है। ये सदियों से यूज़ करते आ रही हैं। तिब्बत इट्स वेरी अमेजिंग। फेयर लवली भी बाद में, पहले तिब्बत ही होती थी, ठीक है जी। तो इसकी पैकेजिंग कुछ थोड़ा सी शॉपर इसके कवर रहती, एंड अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमें तिब्बत से स्नो लेनी है, ठीक है जी, ये याद रखना आपको, बाद जब भी लो तो तिब्बत स्नो देख के ही लेना, ठीक है। एंड उसके बाद ये शीशे की बोतल है, ठीक है जी। तो उसके बाद ये ना अंदर से ना कुछ वाइट है, ठीक है, ये वाइट क्रीम है, एंड इसकी फ्रेगनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ये थोड़ी स्मेल जो है ना स्ट्रॉन्ग है बहुत। तो ये मैं इसमें ये जो स्पून मेरे पास है छोटा सा, ये मैं इसमें भर के ला लूँगी। मैंने ऐसे समझो कि ये मैंने बड़ा स्पून एक भर के इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि इसमें मलम डाली है, तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है। एंड उसके बाद हम स्किन शाइन लेंगे सॉफ्ट टच वालों का। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा शाइनिंग करेगा। जब हमारे हाथ में ग्लो आएगा ना, वाइट होंगे ना, तो उसके साथ शाइनिंग भी लाजिम होती है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा शाइन इसलिए दिया कि हमारे हैंड में शाइनिंग हो। तो इट्स वेरी अमेजिंग, ये ऑलरेडी मैं यूज़ करती आ रही हूँ, तो मुझे इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। तो मैंने सोचा अपने व्यूज़ के साथ शेयर कर दूँ। तो नेक्स्ट टाइम बना रही थी तो मैंने सोचा अपने व्यूज़ को दिखा दूँ कि इट्स वेरी अमेजिंग, क्योंकि आजकल सर्दियाँ के सीज़न है, लोशन वोशन हर कोई लगाता है, तो ये क्रीम ही लगा लें, ठीक है। इट्स वेरी अमेजिंग, मेल फीमेल जो भी लगा सकता है, इट्स वेरी अमेजिंग। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइडल करेगी। ये आपको नाइट के टाइम अपने हैंड एंड फुट पे लगाना है, इसे फेस को छोड़ के आपको जहाँ आप लगा सकते हो, एल्बो पे लगा सकते हो, जहाँ लगाओ, इट्स योर विश। इट्स वेरी अमेजिंग, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट कर देगी। आपके हैंड पे जो निशान होते हैं ना, कट के होते जाते जलने के, वो उसको भी ख़त्म करती है। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो आप इसको यूज़ करना, इसका मुझे फ़ीडबैक में आप भी रिज़ल्ट बता रखे, इसका आपको रिज़ल्ट कैसा मिला, मैं वेट करूँगी आपकी फ़ीडबैक का। तो मैं ऐसे ही मिलती रहूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।